तुम्हें मैं भूल गया। पीछे जो अंकल था वो देख रहा है ये एक बंदा क्या कर रहा है भाई। देखो भाई इंसान कब जिंदा है कब मर जाए कुछ पता नहीं। ठीक है तो चलिए देखते हैं भाई। सो गाइस वेलकम टू अवर रैंडम ब्लॉग्स। तो गाइस देखो अभी तो मैं जा रहा हूँ कोलकाता मेरे डैडी के पास, क्योंकि इधर साइड ना ऐसे पेन होता है लगता है चाकू घुसा देता है। ठीक है इसलिए जा रहा हूँ डॉक्टर के पास दिखाने के लिए। वहाँ पर मैं तो अभी जाऊँगा कोलकाता, मेरे डैडी आएगा वहाँ से मेरे को लेने के लिए, वहाँ से जाएंगे शायद डॉक्टर के पास। तो चलिए देखते क्या होता है। मैं जाता हूँ बस स्टैंड की, और तब तक अपने चैनल पर ना तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगी लाइक कर देना, वीडियो कैसी लगी कमेंट का जरूर बताना। मिलते कुछ सिनेमेटिक शॉट के बाद। तो गाइस बहुत टाइम पहले आ चुके हैं यहाँ पर, मेरा डैडी जहाँ पर रहता है ये देखो ऐसे रूम में रहता है। मूंगफली खा लिया उसके बाद आप लोगों से बात कर रहा हूँ क्या ये बोले। चलिए शायद हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा, देखते हैं। सो भाई लोगों ये देखो मेरा डैडी जहाँ पर रहता है वहाँ पर कुछ गलियाँ, यह गलियाँ यहाँ पर कुछ पेड़ वेड़ भी है इधर साइड वगैरह। आप लोगों को फूल दिखा दे रहे हैं ठीक है। आप लोग देखो सिर्फ इधर गली है, उधर साइड से यू टर्न मार के जाना पड़ेगा उधर। ये देखो एक ट्रक भी खड़ा है यहाँ पर, ये देखो कुछ। तो भाई लोगों हॉस्पिटल के अंदर तो कैमरा अलाउड नहीं है, फिर भी मैं छुप के एक क्लिप रिकॉर्ड किया वो देखो आप लोग। तो भाई लोगों ये हूँ मैं, और ये है हॉस्पिटल, और वो है मेरा डैडी लाइन में खड़ा है, और मैं यहाँ पर चोरों के जैसा छुप के वीडियो बना रहा हूँ। और हॉस्पिटल बहुत ही क्लीन एंड साफ है, बहुत ही अच्छा हॉस्पिटल है। सो गाइस ये देखो कुछ दवाइयाँ खरीद ले चुके हैं, प्रिस्क्रिप्शन लिख दिया था हॉस्पिटल से, और रिपोर्ट करने के लिए बोला, तो देखते अगले हफ्ते आना पड़ेगा। सो गाइस आप लोगों एक चीज़ दिखा दो, देखो अभी मैं हॉस्पिटल से आया हूँ, अभी मेरा पैर दिखा रहा हूँ देखो आप। मैंने ये शूज़ को उतार दिया और आप लोगों को ये शूज़ उतार के दिखा रहा हूँ, देखो क्या है मेरा पैर का हालत। ये देखो क्या हो गया, देखा लगभग तीन से चार घंटा अपना शूज़ नहीं उतारा मैंने तीन से। देखो मेरा पैर देखो क्या हुआ। सो गाइस ये देखो मेरा दो मिनट का लंच आ गया, मेरा डैडी दे कर गया शायद मुझे पता नहीं। और ये है आलू भुजिया, और ये है चिकन है ये, और ये है दाल। चलो खाते हैं भाई, बहुत भूख लगी है। देसी बॉय स्टाइल से खा रही है, गमछा पहन के सही गमछा पहन के खाने में एक अलग ही फील है। अच्छा So guys, अभी तो हो चुका इवनिंग, और ये देखो मैं रेडी वेडी हो चुका हूँ, और अभी जाऊँगा थोड़ा घूमने के लिए इधर उधर। चलिए देखते हैं कहाँ पर घूमने चलते हैं, वहाँ पर देखते हैं। अभी तो आ चुका एक पार्क में, देश बंधु पार्क इसका नेम है। तो इधर उधर घूम कर देख रहे हैं, मुझे तो इस जगह कुछ अता पता भी नहीं है, देखते हैं गूगल लोकेशन में देखते हैं क्या होता है। नहीं गार्डन के अंदर तो मैं पहुँच चुका हूँ, और ये देखो मेरा कुछ ही वॉइस रिकॉर्डिंग ही नहीं हुआ। मैंने ब्लूटूथ ईयरबड्स को लगाया था, वो मैं वॉइस ही नहीं आया, मुझे पता ही नहीं चला। मैंने जब एडिटिंग करते टाइम देखा, और ये देखो बच्चे लोग खेल रहे वहाँ पर, और मुझे जाते थे टाइम दिख गया एक पेड़ की जड़, और मुझे मेरा ये क्या बोल सकते हैं एक बैड हैबिट है, जहाँ पर भी पेड़ की जड़ दिखता है मैं उसको टान कर खींच लेता हूँ। और ये देखो लड़की को जो वहाँ पर स्माइल कर रहा है, शायद आगे की तरफ चलते देखते। और जाते जाते टाइम ये दिख गया मुझे एक इतना छोटा पेड़, मैंने ज़िंदगी में इतना छोटा पेड़ कभी नहीं देखा,
कितना छोटा कितना छोटा पेट देखो गाइस। और यहाँ पे साइड एक बेंच है बैठने की, ये देखो। और इधर साइड उधर साइड भी बहुत बेंच है। चलिए निकलते हैं पार्क से, बाहर निकलते हैं अभी। और मुझे बाहर निकलते टाइम दिख गया एक ब्रिज, और मेरा ये ब्रिज के पास आने के बाद मन हुआ कुछ फोटो वोटो क्लिक करने के लिए। मैंने कुछ फोटो वोटो क्लिक भी किया, और पीछे जो अंकल था वो देख रहा है ये एक बंदा क्या कर रहा है भाई, फ़ोन वोन को इधर उधर अपने आप बक बक करते जा रहा है, क्या पागल हो गया क्या, वो हंस रहा है मुझे देख करके। और ब्रिज से उतरने के बाद ही मुझे मेरा दिख गया मेरा खोया हुआ गर्लफ्रेंड, कुंभ के मेले में खो गया था, और मुझे मेरा फेवरेट चीज़ गिफ्ट कर दिया। ये देखो डेरी मिल्क लेकर आ चुके हैं, ये देखो मेरा फेवरेट। तो एक्चुअली मेरा हुआ क्या था वो मैं तो आप लोगों को हड़बड़ा में कुछ बता नहीं पाया ठीक से। एक्चुअली मेरा हुआ था कुछ मंथ पहले, लगभग 5 या 6 मंथ पहले, मेरा जो चेस्ट में आप लोगों को दिखा जिस साइड बहुत ही डीप लेक पेन हुआ था 2 या 3 सेकंड के लिए। मैंने सोचा वो गैस के कारण हो सकता है। उसके 2 महीने बाद फिर हुआ, उसके 1 महीने बाद फिर हुआ, उसके 15 दिन बाद फिर हुआ। भाई इतना हो रहा है तो भाई कुछ तो दिक्कत है, इसलिए मैंने घर वालों को बताया, और घर वालों ने बातचीत किया डॉक्टर के साथ। उसके बाद बोला भाई कोलकाता में दिखाना पड़ेगा, बहुत ही अच्छा डॉक्टर, बहुत ही बड़ा बड़ा डिग्री लेकर वहाँ पर बैठता है हॉस्पिटल में, इसलिए गया था मैं उस दिन। और आप लोगों तो वीडियो में देखा होगा डॉक्टर कुछ प्रेस्क्रिप्शन दिया था, मैंने दवाई वगैरह खरीदा था। उसके बाद डॉक्टर ने बोला एक्सरे या कुछ रिपोर्ट विपोर्ट करना पड़ेगा शायद, मुझे पता नहीं ये सब के बारे में। तो चलिए ऐसे कुछ हो रहा है मेरे शरीर के साथ प्रॉब्लम, तो देखते हैं कब ठीक होता है। ये सब करने के बाद एक्सरे वगैरह तो मैंने कर लिया, सो डॉक्टर के पास दिखाना पड़ेगा ये सब। चलिए देखते भाई क्या होता है सीन वगैरह, वो सब मैं देख लूँगा। तब तक आप लोग भाई मेरे साथ बने रहो, मेरे को सपोर्ट करते रहो, क्योंकि देखो भाई इंसान कब जिंदा है कब मर जाए कुछ पता नहीं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताना, और आज का वीडियो में ज़्यादातर वॉइस कवर था इसके लिए सॉरी भाई, मैंने अपना फेस से अपना रियल वॉइस दे नहीं पाया, मैंने कवर किया वॉइस। तो चलिए आज का वीडियो ऐसी था, वीडियो कैसे लगा कमेंट कर जरूर बताना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।